Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Hi guys, welcome back to my channel Creative Yamini. Today I'm gonna share with you this makeup look जो कि मैंने create किया है wedding guest smokey eyes makeup look and इसे आप basically किसी भी gown, साड़ी, black color की साड़ी के साथ pair up कर सकते हो. So बहुत ही ज़्यादा simple है. So देख लेते हैं इस look को मैंने कैसे create किया है. Simple से semi curls रखे हैं and बहुत ही ज़्यादा soft ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक है. बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाली है. सो यस गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो गाइज रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है. एंड कोई भी मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लो, प्राइम कर लो एंड थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लो. सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिसमें विटामिन ई है, एलोवेरा है, विटामिन बी भी है. सो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. ये एज अ मिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है. मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है गुडवाइज की मल्टी विटामिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम. विंटर्स के लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है क्योंकि ये थोड़ी सी ऑयल बेस्ड है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है. आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हो. लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हिमालय का लिप बाम. एंड सिरम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का दिस सिरम, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लोई रखता है और थोड़ी सी ड्राइनेस भी कम करता है. इस तरीके से मैं बेस को बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ ताकि आपका मेकअप स्टे करे, केकी ना लगे, पैची ना लगे एंड क्रीज ना करे, ज़्यादा देर स्टे करे, क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है. विंटर्स के टाइम पे शादियों में इस तरीके का मेकअप ख़राब हो जाता है कई बार, तो बेस होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. शियाना ब्रांड का ये एक लोकल ब्रांड है जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई किया है. ये न्यू ब्रांड है एंड ये न्यू प्रोडक्ट है. सो ये एक प्राइमर बेस इल्यूमिनेटर है, लाइक सिस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर आता है उस तरीके से, बट इसका जो कवरेज है वो मतलब मीडियम है. हम इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो इसे अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मालिया का ऑयल फ्री प्राइमर एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. डू ट्राई दिस प्राइमर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देता है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से. तो आई मेकअप के लिए मैंने फर्स्ट कंसीलर लिया है सिस ब्यूटी का. आई एम इन दी शेड 03 लाइट अमोरे, ऐसा कुछ नेम है इसका, 03 नंबर है. आप इसको बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कवरेज है. पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, लाइट वेटेड है. एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर किए हैं जो कि ऑप्टिकल्स के हैं. फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किए थे 5 पेयर का सेट, जिसमें सॉरी ये 2 का कॉम्बो था, इसके संग किट भी थी. तो ये पर्पल कलर के हैं. एंड अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ये कॉम्पैक्ट. ये जो शेड है वो है 011. यस गाइस, जो भी होगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ. अच्छे से अपनी पूरी आईलेट को सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो स्मोकी आई मेकअप है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए. आई डोंट नो, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राइट नाइट वो हो रहा था, उसके लिए सॉरी. नेक्स्ट यूज ब्यूटी का ये ब्राउ किट ले रही हूँ. आई एम इन दी शेड 02. एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी ब्राउज को फिल इन कर लिया. तो यहाँ पर आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मिड से डार्क शेड अप्लाई किया एंड स्टार्टिंग जो एरिया होता है वहाँ पर लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है. सो मैंने अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लिया है. नेक्स्ट यहाँ पे आईशेडो पैलेट के लिए मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का दिस आईशेडो पैलेट. वाइन शेड है ये, कॉर्ड है, रश न्यूड करके इसका नेम है. बहुत ही प्यारा है, मेरा करंट फेवरेट है. एंड अगर आप मेरे करंट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि इस टाइम पे ये पैलेट मैं हमेशा अपने संग रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो एक ट्रांजेक्शन पिंकिश टोन शेड लिया है एंड अपनी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया है एंड बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड किया है. मैंने ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा समय दिया है. सेम ब्रश की हेल्प से मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो कि है वेड एंड वाइट के रोज़ इन द एयर आई शेडो पैलेट से.
ये एक ब्राउन एंड ब्लैक स्मोकी आइज है, तो ब्राउन कलर को मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है और इस टाइम पे मैं कोई भी आई शेडो को बहुत अच्छा ब्लेंडिंग टाइम दे रही हूँ, जिससे मुझे मेरा आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको कुछ चेंजेस पहले के आई मेकअप्स में एंड अभी के आई मेकअप्स में लगे या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेम ब्राउन शेड को सेम ब्रश की हेल्प से अपनी वाटर लाइन पर मैंने स्मोक आउट कर लिया है। सो यस गाइस, इस तरीके से आप स्मोक आउट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो शेड है लेंस का, कॉन्टेक्ट लेंसेज का, वो बहुत अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला शेड एंड ब्लू शेड, क्योंकि मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये मेरे पे जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लैक्मे का ये एब्सोल्यूट काजल यूज़ किया है मैंने एज अ आई बेस, या बोल सकते हैं कि स्मोकी आईज के लिए जो बेस चाहिए हमें ब्लैक कलर का वो, एंड एक स्मोक एक स्मजर ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मोक आउट कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेती जा रही हूँ एंड स्मज करती जा रही हूँ, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा विंटर्स चल रहे हैं तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन इस मेकअप के लिए यूज़ किया था वो भी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा था और पैचेस छोड़ रहा था। तो मैं आगे बताऊँगी कि कौन सा फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था। तो अच्छे से मैंने प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। सेम काजल को अपनी वाटर एंड अपर वाटर लाइन पे लगा के मैंने अच्छे से टाइट लाइन कर लिया है। एंड इस तरीके के आई मेकअप लुक में काजल लगाना ब्लैक कलर का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। सो अच्छे से मैंने इसको स्मोक आउट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिस ब्यूटी का आईशेडो पैलेट ले रही हूँ और उससे मैंने अपने काजल के ऊपर उसको प्लेस कर लिया एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से मैंने इसलिए किया है गाइस ताकि जो बेस है वो अच्छा लगे, आई मेकअप अच्छा लगे, कहीं से ऐसा ना लगे कि प्रोडक्ट अलग से अप्लाई किया हुआ है। मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ब्लैक के साथ लाइनर लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे आपकी आँखों को बाउंड्री मिल जाती है एंड सी द डिफरेंस। आई लाइनर लगाने से आपकी आँखें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है इस तरीके के मेकअप में भी, तो लाइनर लगाइए, ये बहुत प्यारा लगता है। मुझे पर्सनली लाइनर वाली आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है। मस्कारा के लिए मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का मस्कारा एंड यू कैन सी माय लैशेस की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे कलर एसेंस का लाइनर लिया था एंड अगेन फाउंडेशन के लिए मैं कलर एसेंस का ही फाउंडेशन ले रही हूँ। ये फाउंडेशन का कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है एंड जो मैंने लिया था उससे भी कम प्रोडक्ट में मेरा काम हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, कवरेज अच्छा है। बट मैं ये ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी कि आप इसको ट्राई करो, रीज़न कि ये पैचेस दे देता है। मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट फिर भी मेरी स्किन पे ये कहीं ना कहीं जम गया था, ब्लेंड होने में टाइम ले रहा था, इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया इसने मेरे फेस को। एंड यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने पिक किया था कफ्स एंड लैशेस का 20 समथिंग का ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ पे मैंने कंसीलर के लिए LA गर्ल का कंसीलर लिया जो कि मेरे स्किन टोन का था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो फाउंडेशन है वो एक टोन लाइटर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस ना दिखें। सेट करने के लिए अगेन मैंने Maybelline Fit Me का ये कॉम्पैक्ट लिया है जो कि शेड है आई थिंक 011 है या 110 है, आप देख ही सकते हो, उल्टा दिख रहा है वो। नेक्स्ट यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आई मीन दी शेड 01 एंड ब्राउन शेड लेकर के ऑल ओवर फेस को अच्छे से मैंने ब्रॉन्ज अप कर लिया है। गलती से मैंने ब्लश पिक कर लिया था सेकेंड टाइम पे जब मैं पिक कर रही थी प्रोडक्ट, तो अच्छे से मैंने एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई किया है, क्योंकि इस तरीके के ब्रश से जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे शार्प एजेस मिलते हैं। यस गाइस, बहुत अच्छे शार्प एजेस मिलते हैं, तो आप ट्राई दे सकते हो इसको। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का कोरल ब्रश, सॉरी ब्लश, ये एक ब्लश है जो कि कोरल शेड है, 16 ऐसे ही कुछ शेड है। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एक टाइम पे चल रहे थे एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आप चाहते हो तो यस गाइस आप ट्राई कर सकते हो, SFR, Maybelline या मालियो, इस तरीके के स्विस ब्यूटी भी ट्राई कर सकते हो। मेकअप रिलेशन का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ सेम फेस पैलेट से, फैन ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर फेस पे अच्छे से मैंने हाइलाइटिंग कर ली है। एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट कर लिया है। अगेन किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे नायका की लिपस्टिक यूज़ की थी, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा न्यूट लग रहा था शेड, तो इसके ऊपर मैंने दूसरा शेड अप्लाई किया था एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा न्यूड है। तो स्मोकी आईज़ के संग आपको न्यूट शेड ही अप्लाई करना चाहिए। यह है हुडा ब्यूटी का एक न्यूट शेड जो कि मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था लास्ट ईयर। सो यस गाइज, इस टाइम पे मैं प्रोडक्ट्स फिनिश कर रही हूँ। सो यस गाइज, दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है मैंने, जिसमें मैंने ऑरेंजिश एंड ब्लैक कलर की गाउन पहनी है जिस पर गोल्डन कलर का वर्क है। तो मैंने गोल्डन एंड ब्लैक कलर की इयररिंग्स पहने, एक हाथ में वॉच डाली है एंड एक हाथ में ब्लैक कलर के बैंगल्स, क्योंकि इस तरीके का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यस गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है
हेल्पफुल रही है तो रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय। The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it on and I'm falling. The sea.